फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम नमन अग्रवाल। फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, हमारा आईबीपीएस क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट दोनों वन वीक के गैप में होगा। मींस मेरा आईबीपीएस क्लर्क फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में है और आरबीआई असिस्टेंट लास्ट वीक ऑफ नवंबर में है। अगर मैं बात करूँ तो दोनों में मेरा एक हफ्ते का गैप है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो क्वांट सेक्शन में मेरा जो एक टॉपिक बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो है सिंप्लीफिकेशन। अगर इस टॉपिक पे कमांड हो गई तो मेरा क्वांट का काफ़ी कुछ सेक्शन मेरा प्रीलिम्स में कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है? स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई, एडिशन, यही सब चीज़ें आती हैं। और क्या होता है, परसेंटेज का यूज़ पूछ लेता है मल्टीप्लाई में, ऑफ में, बॉन्ड मास लग जाता है, यही सब चीज़ें किस में आती हैं? सिंप्लीफिकेशन में। फ्रेंड्स देखो, सिंप्लीफिकेशन ऐसी नहीं आती कि कोई नहीं कर पाएगा, सब कर लेते हैं, बट वहाँ क्या मैटर करता है? टाइम मैनेजमेंट, कौन कितनी जल्दी करता है, यही चीज़ें मेरी सिंप्लीफिकेशन में देखी जाती हैं। क्यों, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, हर कोई कर लेगा, बट क्या होगा, कोई उस 10 क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लेगा, कोई 10 क्वेश्चन करने में 5 मिनट लेगा, कोई 10 क्वेश्चन करने में 3 मिनट या 4 मिनट ले लेगा। तो ऑब्वियसली जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी वो जल्दी ही करेगा। फ्रेंड्स, एक बात यह है कि आपको टेबल्स 20 तक लर्न होनी चाहिए इसमें, टेबल्स 20 तक लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर 30 तक लर्न होने चाहिए और क्यूब 20 से 25 तक लर्न होने ही चाहिए। रीज़न क्या है, सपोज अगर मेरा आ गया कि 26 का स्क्वायर बताओ, तो आपको अगर याद होगा तो आप लिख दोगे फटाफट, क्या होता है 6 7 6 होता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसको निकालोगे। तो फ्रेंड्स देखो, जब मैं लिखता हूँ कोई चीज़ तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, बस इतना टाइम ही तो लगा जब मैं लिखा। सपोज मैं आपसे कहूँ 18 का स्क्वायर बताओ या 18 का क्यूब बताओ, अगर आपको याद है 5 8 3 2, कितना टाइम लगा, हार्डली 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम। अगर मैं इसे निकालूंगा तो निकल तो जाएगा 18 into 18 into 18, हर कोई निकाल लेगा, बट अगर ये चीज़ें रिमेंबर होंगी तो मेरे को क्या लगेगा, टाइम मेरा कम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट अप्रोच से हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस, कैसे जैसे हम पहले करते थे अपनी बेसिक अप्रोच लेते थे, नहीं उससे नहीं, कुछ डिफरेंट अप्रोच से करूंगा। जहाँ जहाँ मेरी ट्रिक्स लग रही होंगी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ या कैसे डिवाइड करता हूँ, कैसे स्क्वायर निकालता हूँ या कैसे क्यूब रूट निकालता हूँ, ये सब मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो मैं आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे हैं जो मैंने मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर उठाए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं अपने पास से, जो मैं लगता है कि यहाँ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं उसके बेस पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना सिंप्लीफिकेशन का। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 65 का स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। तो इसकी अप्रोच देखते हैं, इसको आप करेंगे 65 into 65, 101 को ब्रेक कर सकता हूं मैं 100 प्लस 1 में और 23 को 23 into 23। इसकी दूसरी अप्रोच देखते हैं क्या होगा, क्या होगा 65 का स्क्वायर देखते हैं, जब भी डिजिट के एंड में 5 आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी डिजिट के एंड में क्या आ रहा होगा, 5 आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल 5 का स्क्वायर लिखा, 5 का स्क्वायर सबको पता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, मैंने यहाँ लिख दिया 25। 6, अब मेरे पास बचा है 6 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है, 7 आती है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 6 into 7 42, 65 का स्क्वायर क्या हो गया, 4225 प्लस 101। देखिए इसके दो तीन डिफरेंट वेज हैं, तो अभी मैं इस पर्टिकुलर वे की बात कर रहा हूँ 101, इसमें क्या होता है देखिएगा, अगर मैं 11 का स्क्वायर पूछूं तो क्या होगा, 121 होगा। अगर मैं 101 का स्क्वायर पूछूं या मैं 1001 का स्क्वायर पूछूं, तो देखो क्या होता है इसमें, आप कितना ही नंबर ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो, 4 टाइम्स ले सकते हो, 1 4 टाइम्स 0 1 का स्क्वायर, कितने भी टर्म्स ले सकते हो, सबका एक पैटर्न है। वो क्या है पैटर्न, ये देखेंगे। देखिए 11 का स्क्वायर है 121, 101 को लिखा मैंने, 1 लिखा, थोड़ा सा गैप दिया 2 और फिर 1, यहाँ कितने जीरो हैं बीच में, एक जीरो है, तो इसका स्क्वायर आ गया 10201। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1001, तो इसमें क्या हो जाएगा, 121 लिखा, यहाँ पे कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं लिखा 121, यहाँ कितने जीरो हैं, 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 times 0 लिख दिया। अब देखो 101, इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है,
101 में का क्या होता है, 11 का क्या होता है 121, तो मैंने लिखा 121, कितने जीरो हैं, एक है, तो दोनों में मैंने गैप में एक एक जीरो फिल कर दिया। माइनस 23 का स्क्वायर देखते हैं फ्रेंड्स, 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखो आप, पहले करा, जब भी दो डिजिट होगा दो डिजिट का स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ मैं आपको, पहले करा 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टर्म करी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 2 6, नेक्स्ट टर्म क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, जो भी आया उसका डबल, 6 का डबल 12, तो मैं 2 लिखूंगा और 1 का चला जाएगा आगे कैरी में, अब क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया 529। फ्रेंड्स अगर 23 का स्क्वायर याद होगा तो कम टाइम लगेगा, इसमें भी आपको 2 से 3 सेकंड्स तो कम से कम लगेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे करा 23 का स्क्वायर, मैंने पहले 3 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। फिर क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 3 2 6, जो भी वैल्यू आई उसका डबल, 6 का डबल 12, तो मैं 12 पूरा तो लिखूंगा नहीं, 2 लिखूंगा और 1 का चला जाएगा आगे कैरी में, अब क्या बचा 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया 529 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, अब मैंने क्या करा, इनको प्लस कर दिया, प्लस करते हैं 26 और इसको करेंगे 4 और 4 1 माइनस 5 2 9। अब सिंपल है, इसको माइनस करना है, माइनस कर देते हैं, यहाँ 6 है कैरी लूंगा, 16 में से 9 गया, कितना आया 7 आया। अब यहाँ क्या बचा, 11 बचा, अब 1 बचा, यानी 11 हो गया, 11 में से 2 गया 9, यहाँ क्या बचा 13 में से 5 गया, कितना आया 8, और यहाँ 3 यहाँ 1, कितना आ गया 13897, दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स देखो इसको तो इजी है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद 742, इसका 101 क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो मैं लिखा 121, गैप में यहाँ पे एक जीरो है तो दोनों एक एक जीरो लिख दिए, 23 का स्क्वायर कितना 529, इसे सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अप्रोच अपने डिफरेंट रखो, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता, बस अप्रोच हमें अलग अलग लानी होती है हर क्वेश्चन में। वो कैसे डेवलप होगी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके सामने क्वेश्चन नए नए आएंगे और अप्रोच आपकी डेवलप होती जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सिंपलीफिकेशन का कुछ ये नहीं है कि इसमें ये परसेंटेज नहीं पूछ सकता, इसमें किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, यहाँ पे क्या करा इन्हें परसेंटेज की फॉर्म में मेरा क्वेश्चन पूछ लिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 40% ऑफ 2490 प्लस 30% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 33.33% ऑफ 1500, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ क्या करूँगा, अब देखिए वही बात, 10% निकालूँ, फिर 20 निकालूँ, फिर 40 निकालूँ। इससे एक चीज देखिएगा, जब भी कैलकुलेशन स्टेप से हो, क्या करा मैंने इसको मान लिया 2500, इसमें से अगर 10 माइनस कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या करना है, अब देखो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 250, 10% इसका कितना होगा 250 होगा, तो 40% कितना हो जाएगा 1000, 40% हो गया 1000, सेम इसका 1, इसका 10% कितना होगा 1, तो 40% कितना हो गया 4, तो 1000 में से 4 माइनस करा कितना आ गया 996। फ्रेंड्स ये चीज आपको माइंड में ही करनी है, हो सकता हो कुछ लोग हमारे साथ अभी जुड़े हों जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, फर्स्ट टाइम पेपर कर रहे हो, तो उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन ये चीज आपको पेपर में माइंड में ही करनी है, ठीक है। ये कितना आ गया 996, अभी से ऐसे कहने देते हैं 30% ऑफ एक्स, इसे मैं यूज नहीं कर रहा। अब मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें आपको 1 से 30 तक की परसेंटेज याद कराई थी, मैं फिर से कह रहा हूँ वो वीडियो जरूर करिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको 1 से लेकर 30 तक की परसेंटेज याद हो जाएंगी, और 2-3 मैंने रूल कराए हैं उसमें, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो जरूर करके जाइएगा, आपको सीरियसली बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए 33.33% क्या होता है, ये होता है मेरा 1/3 ऑफ 1500, इसका आंसर करा कितना आ गया 500 आ गया। अब ये 996 सॉरी ये था 4500 है, ये कितना आ गया 1500 आ गया। अभी देखिएगा 1500 है, 1500 में से 996 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1500 में से 996 गया तो ये बचा 504, तो 30% ऑफ x, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ देखो, ये इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, कर देते हैं ये 10, ये कितना होगा 3 1 3 और 3 6 और 3 8 24, यानी कितना आ गया 168 आ गया। अब देखिएगा फ्रेंड्स 10% किसका 168 होता है, मैंने 10% के लिए बताया था क्या करना होता है 10% के लिए, अगर जीरो होता है कोई भी डिजिट है, कोई भी वैल्यू है, सपोज यही है 2490, इसका अगर 10% निकालना होता है तो लास्ट वाली अगर जीरो है तो हटा देते हैं, इनके जीरो नहीं है तो
पॉइंट लग जाता है। सपोज 2491 है तो 10% इसका कितना होगा 249.1। तो 10% किसका होगा जो 168 आ जाए, ना तो इसका हो सकता है, ना इसका हो सकता है, ना इसका हो सकता है, सिर्फ इसका हो सकता है। तो आंसर कितना आ गया 1680। ठीक है फ्रेंड्स, बस क्या करना है, अप्रोच चेंज करनी है आपको, जैसा क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू चेंज करना है क्वेश्चन का, तो मेरा क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 × 18/36 × 7×9/3^(x=1। यहाँ पे मुझे क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन क्या है, 6, 7, 8, -5 या फिर नन ऑफ दीज। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अगर मैं इसे देखता हूँ सॉल्व करता हूँ तो कितने टाइम जा रहा है, 18 × 2 और 2 × 3। यहाँ पे 1 है, इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ, तो ये हो गया 3 × 7, 2, 9 = 3^(x)। इसमें क्या सेम बनाना है मेरे को, दोनों साइड मुझे x बताना है, तो इसका बेस कितना है, 3 है, तो यानी यहाँ पे भी मुझे 3 बताना होगा। अब देखिए अगर मुझे क्यूब याद होंगे तो इजली क्या होगा, 7 × 9 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, × 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, लिख दूँ यहीं पर, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 का स्क्वायर = 3^(x)। ये कितना हो गया 6, ये 3^1 × 3^ कितनी हो गई, ये 6 हो गई, = 3^x। जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 7 हो गई। बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो कितना हो गया x की वैल्यू, 7 आंसर मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, मैंने क्या करा फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 times किया, 2 × 3 = 6, मुझे 7 × 9 पता है किसका क्यूब होता है, ये 7 × 9 9 का क्यूब होता है, तो ये मैं लिख दिया 9 का क्यूब। ये किसका स्क्वायर होता है, मुझे यहाँ पे 3 लाना है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया और आगे सॉल्व कर लिया। इसमें काफ़ी स्टेप हैं जो स्किप हो सकते हैं, ये तीन दोनों स्टेप मेरे स्किप हो सकते हैं, मैं इसलिए स्टेप करके दिखाता हूँ कि आप लोगों को ईजिली समझ में वो आ जाए। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19% of 361 / 1.9 = x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये ऑप्शन दे रखी है मेरे पास, देखते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था उसमें नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट बताया था, एक बार आप देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट क्या था। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 10% of 250 बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 25। अब मैं आपसे कहता हूँ 100% of 225 बताइए, तो भी क्या होगा, 25, क्योंकि 100% ऑफ अ नंबर इज नंबर इट सेल्फ। यहाँ पर 10% का, तो मैंने एक लास्ट वाला जीरो हटा दिया। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे 1% of 2500 बताइए, तो कितना होगा, वो भी 25 होगा। देखिए 10% कितना 250, 1% कितना हो गया 25, यानी तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 25 25 25 आ रही है, बट यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1 है। मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे ये सेम है 1 1 1 और यहाँ पे 25 भी सेम है। क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जीरो को इधर उधर कर रहा हूँ, यानी जीरो को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक जीरो इधर कर दिया तो ये 100 हो गया, यहाँ पे दोनों जीरो इधर ले गया तो ये 2500 हो गया और ये 1 ही रहा। अगर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं इस नंबर को, जैसे सपोज मेरा ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से, यानी 100 हो गया, और इसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो ये 25 हो गया, कह सकता हूँ। सेम इस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 100 से, तब भी ये बात हो गई। यानी चीज़ें मैं अगर इधर से उधर करूँ तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो सेम हो जाएंगी। जीरोज में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो सेम होगा, या फिर अगर मैं जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसी नंबर से इधर डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज मैं बताया ना आपको, मैं इसको किसके कर रहा हूँ, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 100 हो गया, और इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 25 हो गया। मेरी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यही कांसेप्ट मैं इसमें लगाता हूं। मैंने क्या करा, इसको मैंने 10 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 1.9%, और इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 3610। अच्छा, डिवाइड का साइन हटाऊंगा, मल्टीप्लाई लगाऊंगा और ये चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/9% है तो इसको हटा के क्या जाएगा, 1/9/100 आ जाएगा। परसेंटेज का साइन हटाता हूँ तो अपॉन में क्या लगाता हूँ, 100 लगाता हूँ। अब वही बात हो गई, 1.9 से 1.9 कट गया, 3610/100, तो ये कितना हो जाएगा, 36.10। मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36.10, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, कंसेप्ट देखने हैं बस, कंसेप्ट को माइंड में रखना है और चीज़ें हमारे सामने होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 × 11 + 999² - 58। अच्छा, अब यहाँ 96 × 11
करना पड़ेगा, तो 96 × 11 या फिर 10 − 1 करके कर सकते हैं। इसे हम कैसे करेंगे, आप लोग कहेंगे 1000 − 1, अच्छा, और 58 तो 58 है ही, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 11 से होती है तो क्या करते हैं, सपोज मेरा 23 है, 23 की मल्टीप्लाई 11 से करता हूँ तो क्या लिखता हूँ, लास्ट में 3 लिखा 2 लिखा, इन दोनों की एडिशन कर दी। और देख लेते हैं, अगर सपोज 45 × 11 है तो क्या लिखा, 4 लिखा 5 लिखा, इन दोनों की एडिशन कर दी, ठीक है। अब 97 है तो मैंने 7 लिखा और 9 लिखा, तो 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, तो 16 पूरा नहीं आएगा यहाँ से, देखो 4 और 5 9 ही तो होता है, तो 9 लिख दिया है, 3 और 2 5 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 9 और 7 16, तो 6 लिखूंगा और 1 आगे कैरी हो जाएगा, यानी 1 जो भी डिजिट होगी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1067, ठीक है फ्रेंड्स। कितना टाइम लगा, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हेल्प करती हैं कैलकुलेशन में। मैंने क्या कहा, हमें स्मार्ट अप्रोच करनी है, हमें अपना अप्रोच चेंज करनी है जैसे हम कर रहे थे। अब क्या हुआ, 999 का आप कैसे करोगे, 1000 − 1, नहीं, बहुत आसान है। देखो भाई, मैं समझा रहा हूँ आपको, 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर 9801, 999 का स्क्वायर कितना होगा, अब ये देखो, चलो फ्रेंड्स, मैंने 8 लिख दिया और 1 लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने कुछ करा था ना उसमें 11 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, कुछ उसी टाइप से बट थोड़ा सा डिफरेंट है, वही दो बात, 81 लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, -1, और यहाँ पे मैंने करा +1, -1 करूँगा तो 0, +1 करूँगा तो 9, अच्छा। यहाँ पे आप क्या हो गए, हमें क्या पता कि 1 लेना है या 2 लेना है, उसका समझो, यहाँ पे कितने 9 है, 2 9 है, तो हमेशा यहाँ पे 2 में से 1 कम करा 1, यानी यहाँ पे 1 9 आएगा, तो 1 9 आएगा तो 1 0 आएगा। यहाँ पे कितने 9 है, 3 9 है, तो देखते हैं, 8 लिखा 1 लिखा, 3 9 है तो कितने 9 आएंगे, +1 करूंगा ना तो 2 9 आ जाएंगे, 2 9 तो 2 0। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स आ गया तो क्या होगा, 4 टाइम्स है तो कितने टाइम्स 9 आएगा, 3 टाइम्स 9 आएगा और 3 टाइम्स 0 आएगा, इजी है। तो इसका कितना हो जाएगा, 9 9 8 0 0 1 - 58। अब क्या बस कैलकुलेशन करनी है, कितना हो गया, 7 7 + 1 8 हो गया ये, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 9 और 9, ठीक है, माइनस का 58, इसमें से 58 माइनस करूंगा कितना जाएगा, 9 9 9 0 5 sorry 1 0, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, आंसर नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ 12167, क्यूब रूट ऑफ 274625 एंड क्यूब रूट ऑफ 250047। आते हैं इसका, देखते हैं पहले क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जो कोई भी नंबर आ जाए, अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्या करते हैं, 12167, 274625 और ये 250047, ठीक है। लास्ट के तीन पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं, लास्ट के तीन पार्ट से मैंने ब्रेक कर लिया, जो लास्ट वाला पार्ट है यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसके एंड में क्या आ रहा है, 7, 7 किसके क्यूब में आता है देखते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, यानी लास्ट वाले पार्ट में क्या आएगा मेरा 3, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 12 कौन कौन से दो नंबर के क्यूब के मिडिल में आ रहा है। अब देखो भाई, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 और 8 के बीच में आ रहा है, नहीं, 2 और 3 देखते हैं, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी 8 और 27 के मिडिल में क्या आ रहा है मेरा, 12 आ रहा है। अब देखो, 2 और 3 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 2 है, तो कितना आ गया 2, और इसका था आया था मेरा 3, ठीक है। इसमें आते हैं लास्ट जो सेकंड पार्ट है, उसमें लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 5, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, यानी लास्ट डिजिट क्या होगी मेरी, 5 होगी, अच्छा। 2744 देखो, देखो 4 तो नहीं होगा, 5 से लेते हैं, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 125, 216, 216 से तो बड़ा ही है, नहीं है मतलब, 6 का क्यूब कितना होगा 216 और 7 का होगा 343, यानी 216 और 343 के बीच में क्या आएगा, 2744 आएगा। इन दोनों में छोटी वैल्यू किसकी है, 6 और 7 में 6 की है, तो आ गया 65। फिर से 7 देखते हैं, 7 किसके एंड में आ रहा है, वही 3 के एंड में आ रहा है, लिख दिया 250, 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का होता है 343, यानी 6 और 7 में छोटा कौन सा है, 6, तो कितना आ गया, 63 आ गया।
फ्रेंड्स इतना मैंने आपको समझा रहा हूँ इसलिए हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया ये मेथड तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई मैं यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखूँ तो 5, 5, 5, 6 और 0। अगर मेरा कहीं पे 6 मेरा यूनिडिजिट 6 आता है तो यही आंसर होगा, 0 आता है तो यही आंसर होगा, और 5, 5, 5 में से है तो अभी हम देखते हैं। पहले यूनिडिजिट देखते हैं, 5, 3 जा 15 यानी लास्ट में मेरे 5 आएगा ही आएगा, तो ये एलिमिनेट कर दो और ये एलिमिनेट कर दो। अब तीन ऑप्शन बचते हैं मेरे पास। फ्रेंड्स देखो अब यहाँ पे एक आता है हमारे पास डिजिटल सम मेथड, इसे कुछ लोग C9 मेथड भी कहते हैं। क्या होता है डिजिटल सम मेथड में जो भी डिजिट्स होती हैं उनके सम कर देता हूँ और जो बीच में एक्शन होता है वही परफॉर्म कर देता हूँ। अगर सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इनका सम करके मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे एडिशन है तो इनका सम करके ऐड कर दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ, अच्छा दूसरी चीज़ जब भी 9 आएगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं, देखो 3 + 2 = 5, 5 + 6 कितना हो गया 11, 1 + 1 = 2, ये 2 आ गया। अब यहाँ हो गया 6 + 3 = 9, मैंने क्या कहा था जब भी 9 आएगा इसको क्या कंसिडर करूँगा, 0, और 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आएगा, मेरा 0 ही आएगा। यानी डिजिटल सम मेथड में से मैं देख रहा हूँ तो इसका क्या आ गया, मेरा सम 0 आ गया। ऑप्शन में देखते हैं, चलिए देखिए, मैंने कहा था 9 आएगा तो 0 होगा, 9 को हटा दिया। अब देखो भाई 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 हो गया 15, 15 + 5 कितना हो गया 20, 20 + 6 = 26, 26 + 2 = 8, यानी ये आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं ये आ गया मेरा 26 और 6 + 2 = 8, यानी ये आंसर मेरा नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है 6 + 4 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 5 कितना हो गया, 17 + 5 हो गया मेरा 22, यानी 2 + 2 = 4, ये भी नहीं होगा। इस पे आते हैं, 4 और 1 = 5, 5 + 5 = 10, 10 और 8 = 18, ये 18 है, 8 + 1 = 9, मैंने क्या कहा था जब भी 9 आएगा उसे क्या कंसीडर करूंगा, 0, यानी ये मेरा 0 आ गया, तो मेरा आंसर क्या होगा 9, 4, 1, 8, 5। तो आपने देखा अगर नन ऑफ दीज नहीं है मेरा ऑप्शन में तो मेरा कितना इजी मेथड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 / 9 / 9 / 9, इसका ऑप्शन है 1, 1/9, 1/81, 1/729 या फिर नन ऑफ दीज। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया करेंगे कुछ लोग क्या करते हैं मिडिल में से उठा लेते हैं, क्यों, सारे फंक्शन सेम है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, तो कुछ लोग क्या करते हैं एंड में से उठा लेते हैं, कुछ लोग मिडिल में से, कुछ लोग स्टार्टिंग में से। हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा जो एक्शन परफॉर्म करना है वो स्टार्टिंग से करना है। कैसे ये देखते हैं, 9 / 9 यानी नीचे आएगा, ठीक है 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 1 / 9 / 9, तो यानी 1/9 ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल तो नहीं होगा 1/9 ही रहेगा, तो 1/9 ये डिवाइड में जाएगा तो कितना आ गया 1/81, मेरा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर आपके पास कहीं लिखा है 5 / 9 लिखा है मेरे पास 5 / 9, तो मैं क्या करता हूँ, 5 तो ऐसे ही रहता है, डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और जो नेक्स्ट नंबर होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है, यही तो होता है 5/9 कैसे लिखते हैं, डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और 9 का चला गया रेसिप्रोकल में। तो देखिए क्या होगा, 9 लिखा यानी डिवाइड किस में चेंज हुआ, मल्टीप्लाई में, और 9 किस में चला गया, रेसिप्रोकल हो गया, अगेन डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, इसके बाद जो 9 है वो रेसिप्रोकल में, अगेन इसमें, तो कितना हो गया 1/81। ठीक है चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35937 क्यूब रूट में है, मल्टीप्लाई बाई 1331 इज इक्वल टू 121 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अच्छा फिर से वही बात, यहाँ क्यूब रूट आ गया तो वही बात करेंगे हम, क्या करेंगे लास्ट के तीन पार्ट से ब्रेक कर देंगे। 7 किसके एंड में आ रहा है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी लास्ट में क्या आएगा मेरा 3 आएगा। फिर से 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो 3 और 4 में से छोटा कौन सा है 3, तो यानी 33 का क्यूब क्या होता है 35937 * ये देखो फ्रेंड्स याद करने का, अगर मैं क्यूब याद होंगे तो मुझे पता चल जाएगा 1331 किसका होता है 11 का क्यूब होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 121 किसका क्यूब होता है 121 11 का स्क्वायर होता है, ये नीचे चला जाएगा, इसको नीचे ले जाते हैं
इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 33 इंटू 11। मैंने ये अभी बताया, ये कैलकुलेशन जब भी 11 से किसी डिजिट की मल्टीप्लाई होगी तो क्या करेंगे, देखो लास्ट वाला टर्म लिखा 3, फर्स्ट वाला टर्म लिखा 3, 3 प्लस 3 6, तो कितना आ गया 363 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई डाउट, अगर डाउट भी हो आप लोगों को कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखिएगा, और मैं एज सून एज मैं आपके कमेंट पढ़ के उसको डाउट्स को, क्वेरी आपकी जो भी होगी वो क्लियर कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, 136% ऑफ 250 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 550 इज इक्वल्स टू 670। अच्छा फिर वही वाली बात, नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट ले आते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी ये भी बताया था कि एक टर्म ये भी बताई थी, ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी परसेंट ऑफ ए, वो लगाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 250% ऑफ 136, और एक जीरो मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा 25% ऑफ 1360। मुझे पता है 25% क्या होता है, 1/4 होता है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 3 12, 4 4 16, 340, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 136% ऑफ 250 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 550 इज इक्वल्स टू 670। अच्छा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरी फर्स्ट वीडियो प्लीज़ फिर से देखिएगा, जो उसमें जो भी कंसेप्ट बताए हैं वो बहुत यूजफुल है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी परसेंट ऑफ ए, वो इसमें कैसे एप्लीकेबल होगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 250% ऑफ 136 लिख सकता हूँ। अच्छा अब मैंने क्या करा, एक जीरो इधर शिफ्ट कर दिया, कर देते हैं इधर शिफ्ट कर देते हैं एक जीरो, तो ये कितना हो गया 25% ऑफ 1360। 25% कितना होता है, मुझे 25% पता है कितना होता है, 1/4, इसको कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 4 16, 340, यानी इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 340 आ गई, यहां लिखा मैंने 340 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 550 इज इक्वल्स टू 670। 340 उधर जाके कितना हो जाएगा, 340 उधर जाके हो जाएगा मेरा 330, ये तो हो जाएगा 330। अब देखिए 11 से कटता है, काट देते हैं 11 5 और 11 3। अच्छा अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, एक तो वही तरीका है कि x अपॉन 100 करके करूँ इंटू 50 इज इक्वल्स टू 30 आंसर आ जाएगा, बट इतना लेंथी मुझे क्यों जाना जब मेरे पास ऑप्शन गिवन है, तो देखते हैं ऑप्शन में देखते हैं। देखो किसका 50% 30 होता है, इसका 50% 30 होगा नहीं, इसका 50% मतलब ही नहीं है, इसका 50% नहीं, इसका 50% क्या होगा 30 होगा, तो मेरा आंसर कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 572 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 4 की पावर एक्स। अच्छा तो देखिए फ्रेंड्स बॉन्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मेरा ये सॉल्व होगा, 572 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 200। देखो भाई जब भी, यानी मुझे इसकी x की पावर, मुझे क्या करना है पावर निकालनी है x, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 की पावर। तो फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये इसमें क्या होता है पूरा पूरा कैंसिल होता है। अब देखिए 26 को अगर मैं डबल करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 520, यानी 26 इंटू 20 कितना होगा 520 हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो देखो 6 के टेबल में लास्ट ये 2 कब आती है, 6 के टेबल में लास्ट ये 2 कब आती है, 6 2 12 और 6 7 42। अच्छा देखो फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा इतना तो हाई नहीं जाएगा कि अगर मैं इसको मैं 26 को 6 टाइम्स और करूं फिर इसमें ऐड करूं, इतना तो हाई वैल्यू नहीं है, तो कितनी हाई वैल्यू होगी ये 2 टाइम्स और हो जाएगी, तो यानी कितना कितना टाइम चला गया सीधे 22 टाइम्स चला गया, ठीक है ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप पूरा कटेंगे तो काटेगा कटेगा ये 26 से ही, आप क्या करोगे पहले 2 से कैंसिल करोगे फिर 30 से कैंसिल करोगे, इससे अच्छा क्या करा करो आप लास्ट डेट देख लिया करो, 6 2 12 हो रहा है और देख लिया करो कितने टाइम्स जा रहा है, 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा 20 टाइम्स से ज़्यादा ही जाएगा, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसे कितना आ गया मेरा 22 आ गया। अब देखो क्या होगा 22 12, इसको लिख सकता हूँ मैं 11 24 लिख सकता हूँ, क्यों मैंने इसको ब्रेक करा, देखो भाई 22 12 था इसको ही ले सकता हूँ, तो 12 2 24 11, क्यों मुझे 11 का पता है कितना इजीली मैं निकाल सकता हूँ, तो देखिएगा
लिखा मैंने 2 और 4, 4 plus 2, 6 माइनस 200 इज इक्वल टू 4 की पावर x, कितना हुआ 64 इज इक्वल टू 4 की पावर x, 4 की पावर x इज इक्वल टू 64, बेस सेम बनाना है, ये बेस सेम कब बनेगा जब यहाँ पे क्या होगा 4 का क्यूब, मुझे पता है क्या होता है 4 का क्यूब होता है मेरा 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 3। फ्रेंड्स इसमें आप ये वाला स्किप करेंगे, ये स्किप करेंगे, सीधे इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका, फिर से कह रहा हूँ इतनी चीज़ें इसलिए बता देता हूँ, इतने स्टेप इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जिससे आपको मैंने क्या किया हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन अपना फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का अपलोड करूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरह के वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम आपकी और हेल्प कर सकें। ओके थैंक यू।